तो हेलो गाइस, जैसे महापुज का वेलकम टू माय न्यू वीडियो अपने चैनल महापुज ब्लॉग्स। तो मैं इंजीनियर हूँ और हम लोग जो इंजीनियर होता है, जो इंजीनियरिंग किए होते हैं कोई भी कॉलेज से, तो हम लोगों का टारगेट रहता है कोई भी कंपनी में प्लेसमेंट होना। प्लेसमेंट मैक्सिमम लोग, हम लोग 70% जो इंजीनियर होता है वो लोग प्राइवेट कंपनी में जॉब करने का टारगेट रखते हैं और इसीलिए आते हैं। जो आईटी सेक्टर का होता है वो लोग को अच्छा अच्छा पैकेज मिलता है प्राइवेट में, इसलिए प्राइवेट में करता है। गवर्नमेंट वो लोग का टारगेट रहता नहीं, बाकी सिविल मैकेनिकल इंजीनियर इन लोग को थोड़ा बहुत गवर्नमेंट रहता है, लेकिन 70% लोगों को नहीं मिलता है। 30% भी नहीं मिलता, 20% को गवर्नमेंट मिलता है, बाकी सब लोग हम लोग प्राइवेट में करते हैं जॉब। तो प्राइवेट में करने के लिए क्या होता है, 12th में अगर अच्छे से कोई रैंक ला के आफ्टर 12th तुम्हारा गवर्नमेंट जो स्टेट बोर्ड का होता है वहाँ पर एक अच्छा कॉलेज, अगर उस गवर्नमेंट का फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा कॉलेज है रेपुटेशन के हिसाब से, तो ऐसा अगर अच्छा कॉलेज में तुमको प्लेसमेंट हो गया, मैंने कॉलेज में अगर तुम्हारा एडमिट हो गया, एडमिशन हो गया, तो तुम एक अच्छा पैकेज का उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि उसी कॉलेज से जो अच्छा अच्छा कॉलेज होता है, रिप्यूटेड कॉलेज होता है, उसी जगह पे तुम्हारा अच्छा अच्छा कंपनी प्लेसमेंट के लिए आते हैं। जो लोग जो बड़ा बड़ा कंपनी प्लेसमेंट अच्छे कॉलेज से प्लेसमेंट लेता है ना, तो अच्छा ही पैकेज देता है। जैसे हमारा बड़ा बड़ा कंपनी सोच लो, L&T, लार्सन एंड टार्बो, सापूजी पालूनजी और WPI, ऐसा बहुत सारा कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, और IT का तो बहुत सारा है, उसके बारे में नहीं बता रहा अभी मैं। नॉन कोड डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ, कोड का जो ब्रांच होता है मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, ये लोग का जो कंपनी होता है, तो वहाँ पे जब शुरू करते हैं तुमको ट्रेनिंग पीरियड में लेता है, एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग में लेता है, किसी का इंजीनियर में ले लेता है कॉलेज से जिसको लेता है बड़ा बड़ा कंपनी, तो अच्छा पैकेज देता है, 6 लाख का, 6.5 लाख का, उसी टाइम पे पैकेज देता है कॉलेज के साथ। तुमको बस फ्रेश जॉब में एंट्री करते हो उस टाइम पे अच्छा पैकेज भी देता है और बहुत इज्जत करते हैं, पहले जॉब शुरू करते ऐसा नहीं पेशा देता है। मैक्सिमम कंपनी में पूछा मैंने, मेरा बहुत सारा फ्रेंड इधर उधर गया, मेरे को तो नहीं नसीब हुआ, जो भी है तो लोग ही बताया कि तो लोग को उतना पैसा नहीं सिखाता है, क्योंकि वो लोग कंपनी वालों को भी मालूम है कि ये लोग कॉलेज से आया है, तो ये लोग को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, बस कॉलेज का इन लोग का बुकिश नॉलेज है, इसलिए उतना पैसा देता नहीं, लेकिन 6.5 लाख, 5.5 लाख ऐसे पैकेज में L&T में लेता है। WPI का एक कंपनी है, तो 2022-23-24 तो ये लोग 3 साल से बहुत अच्छा पैकेज में है, क्योंकि वो WPI जो कंपनी है उसमें भी पैकेज तुम्हारा 6 लाख, 6 लाख के करीब आसपास है, तो 6 लाख पैकेज देता है। तुम जब शुरू करते हो जॉब तो 6 लाख मिलना मतलब बहुत अच्छा पैकेज है, 30-35 तुमको इनहैंड मिलता है, उसके बाद जब तुम इंजीनियर बन जाओगे तुमको तो चांस रहता ही है। शुरुआत में तुम्हारा अगर 6 लाख का पैकेज होता है तो 1 साल में 2-2 लाख बढ़ने का, 1 लाख बढ़ने का तो उम्मीद तुमको रखना चाहिए, और होगा, ऐसे होता है। जैसे हमारा 1 लाख बढ़ के आया तो वो लोग को क्यों नहीं आएगा। तो WPR का एक कंपनी है, उस कंपनी में अभी हमारा जो कॉलेज था मतलब 22 में बहुत सारा बंदे को सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था, वो 1.5 घंटे जो कोलकाता में ऑफिस में आने के लिए बोला था, तो उस जाने के बाद हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल वीक था, इसीलिए बहुत सबको रिजेक्ट कर दिया, हमारा सिविल से सबको निकाल दिया, मैकेनिकल के एक बंदा को लिया था, हमारा कॉलेज मतलब जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, उस कंपनी से एक ही बंदा का लिया था उस कंपनी में, हमारा कॉलेज से वो था मैकेनिकल का बंदा। उसके बाद 23 में भी जो प्लेसमेंट हमारा जूनियर लोग था उसको भी उन लोगों को लिया था, हम लोग को एक ही बंदा का हुआ था, उसके बाद मतलब हम लोग के से शुरू हुआ था वो लोग का मतलब प्लेसमेंट, कंपनी में आके प्लेसमेंट लेना उसी साल शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में भी 5-6 आदमी को लिया है, और इस साल 6-7 आदमी को इसी कंपनी ने पैकेज में लिया है, तो बहुत अच्छा पैकेज दे रहा है। अब लोगों को मैं बताऊंगा कितना कितना आदमी को लिया है, कौन सा डिपार्टमेंट से लेता है, ये लोग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये सब कंपनी ये सब डिपार्टमेंट से लेता है, और पैकेज कितना है वो आप लोगों को मैं डिटेल बताऊंगा, आप लोग देखिएगा। तो मेरा जो कॉलेज है वो अच्छा पैकेज वाला कॉलेज है, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट कॉलेज, वेस्ट बंगाल का एक बहुत अच्छा रेपुटेड कॉलेज है, अगर देखेंगे तो 1 to 3 तीन नंबर में वो कॉलेज आता है हमारा। जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी बहुत सारे बंदे को पता है, ऑल इंडिया में 10th रैंक में है, तो वेस्ट बंगाल में सबसे बेस्ट कॉलेज वही है जादवपुर यूनिवर्सिटी। उसके बाद कल्याणी गवर्नमेंट देखेंगे तो वो सेकेंड बने, तो हमारा जलपाईगुड़ी देखेंगे तो नॉर्थ बंगाल का बहुत बढ़िया कॉलेज है, सिलीगुड़ी में, जो सिलीगुड़ी से करीब जलपाईगुड़ी में वो सिचुएटेड है, तो अच्छा कंपनी है, अच्छा कॉलेज है, उसमें अच्छा अच्छा कंपनी आता है। पिछले हमारे 2 साल उसके बाद जो नॉन कोड डिपार्टमेंट होता है IT CSE, ये लोगों को तो पैकेज बहुत बड़े बड़े पैकेज था, 44 लाख पर एनम, 65 लाख पर एनम हाईएस्ट गया था, ये हाईएस्ट के बारे में बात हो, एवरेज 9 लाख 7 लाख ऐसे गया था। लेकिन इस साल IT में थोड़ा कुछ ड्रॉट चल रहा है, IT में उतना ले नहीं रहा, फिर भी जो कोड डिपार्टमेंट में हर
डिपार्टमेंट से, मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, बहुत अच्छा अच्छा इनके मतलब पैकेज आया है सब लोग का। मतलब मैक्सिमम अभी कोर डिपार्टमेंट में सबका 70% प्लेसमेंट हो गया, अभी कॉलेज में रहते हुए, अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ, लोग को 70% पैकेज प्लेसमेंट हो गया अलग अलग कंपनी में। तो WBPI जो कंपनी, इसमें 6-7 आदमी का प्लेसमेंट हुआ है। तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ माई जूनियर्स, एंड चलो अच्छा काम शुरू कर लिए तुम लोग, अभी से आगे ग्रो करो। 6 लाख में शुरू किया तो तुम लोग को 2-3 साल में 12 लाख हो जाएगा इंशाल्लाह। एंड तुम लोग भी मेरे, हम लोगों के बारे में थोड़ा सोचो, होगा तो हम लोग तो नहीं मिला मौका, हम लोग को चांस नहीं मिला था। अगर अभी हो जाएगा तो अभी हम लोग को 6 लाख मिलना ही बहुत है, 2 साल से काम कर रहे हैं हम लोग, अभी तक 6 लाख भी नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत मिडिल क्लास फैमिली में मतलब कंपनी में काम कर रहे हैं। चलो जियो, जैसा भी हो, जो जिस जगह में है अच्छे से जियो, खुश रहो, एंड बेस्ट ऑफ लक।